दर्शक बहन नमस्कार, गुड इवनिंग, जय नेपाल। यति बेला म लाल बकैया नदी को बीच में छु, नदी को किनारे में त्यहाँ तब हेन भो अमा कर नदी छसक किनारे छु। म जहाँ ठाव में छु यहाँ बट 2 किलोमीटर भित्र उतापटी गाँव पर्च पिपरा भगवानपुर राजपुर नगरपालिका को क्षेत्र में छु। मैं लाल बकैया नदी को बीच में लाल बकैया नदी भन्नाले सरो अफरौ तहर जुन हरेक वर्ष लाखौं करोडौंको क्षति गर्छ। कटान, बाली नुकसानी, घर डुबान, मान्छेलाई यदि हेर्ने हो भने तराई मधेसको सरो अफ तराई सरो अफ रौतहट भनेर लाल बकैया नदीलाई चिनिन्छ। म यहाँ आउने क्रममा केही हाम्रो यहाँको स्थानीय किसानहरूसँग भेट भयो, उहाँहरूसँग जान्ने छौ उहाँहरूले यो नदीबाट के कस्तो समस्या झेलिरहेछ, केस कस्तो समस्या भोगिरहेछ र सरकारको तर्फबाट त्यो नदीमा नदीको किनारमा बास गर्ने बासिन्दालाई नागरिकलाई केस कस्तो सुरक्षा, के कस्तो खाद्यान्न सामग्री, के कस्तो व्यवस्था गरेको छ र उहाँले सरकारबाट आएको उपलब्ध सामग्रीहरू पाउँछ कि पाउँदैन उहाँहरूसँग जान्ने छ। नमस्कार सर, यी बताऊ मतलब लाल बकैया नदी मतलब बहुत ज्यादा क्षति गरी हरेक वर्ष, तब सोच कि खेती में जाकर के देखल जाओ तो मतलब केना होले, मतलब बारिश के समय में कैसे न होले स्थिति। बारिश के समय में बाढ़ से इतना जो है ना ये एरिया प्रभावित है कि लोग गांव ये तो खैर नदी के जो है ना बहाव का ये एरिया है। अच्छा, लेकिन ये पानी ओवरफ्लो हो करके गांव में प्रवेश कर करके गांव में इतना जो है ना क्षति हो जाता है कि गांव कुछ टोला टपड़ी ऐसा है कि जो विस्थापित होकर के बांध पर आ करके 10 दिन 15 दिन तक के जो है ना वो लोग अपना तिरपाल ताल तान करके रहने का जो है ना उसको नौबत होता है। तो खेती बाड़ी के नुकसान बताओ, गाँव में तुम जान देखा घूमे जी। अब खेती बाड़ी के बारे में यहाँ जो है ना खेती असल जो है ना ये ढाब एरिया मरुभूमि जगह है, यहाँ पर तो जो है ना वही कहीं माटी अगर कहीं तनका ऐसा उर्वरा वाला हुआ तो वहाँ पर जो है ना धान बाड़ी लगा दिया लोग, वहाँ पर ऊख लगा दिया। ये केला का खेती है तो केला को धान को अभी जो है ना धान का सीजन था, धान को जो है ना इतना ना पानी क्षति किया कि जम्मा रोपा हुआ धान सब जो है ना बिल्कुल जो है ना बाढ़ से आकर के अब माटी और बालू से सबको तोप ताप करके तो ये जो है ना बर्बाद है, सो तो आपके सामने है। बाकी केला भी जो है ना सब जो है ना हरा भरा था, सब केला भी जो है ना बर्बाद हो गया। रहा ऊँख का बात तो ऊँख भी जो है ना आपको जो है ना आधा आधा ऊँख जो है ना सब बालू से भर चुका है। कथी कथी मतलब खेती बोले नदी के किनारे, नदी के किनारे में ऊँख, उसके बाद केला, उसके बाद में कहीं कहीं जो है ना अगर जगह मिला अच्छा माटी उटी मिल गया अगर पाँख का हिसाब किताब तो वहाँ पर जो है ना धान का रोपाई हो गया सर, तो वो भी धान को जो है ना सबको तोप ताप करके बर्बाद किया। धान और केला और ऊँख के अलावा होता ही नहीं, ऊँख भी तो होगा तो आपको थोड़ा जगह जो है जहाँ मुनासिब है माटी अच्छा उपजने वाला वहीं पर ऊँख भी होता है, तो ये पेटी में ऊँख कभी होता नहीं। केला के अलावा कुछ नहीं, केला के अलावा कुछ नहीं होता है ना, तो हर एक साल का धार अलग रहता है या एक ही रहता है ना। आज से लगभग 10 साल 15 साल नदी जो लाल बकैया का जो पुल है, फछुआ पुल जिसको कहा जाता है, वहाँ से एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नदी थी। अच्छा। तो जहाँ सीधा नदी जिस समय था उस समय जो है ना कटानी नहीं होता था। अच्छा। पानी आया सीधा चला गया, चला गया। अब इन साल कैसा किया है कि थोड़ा सा दूसरे साइड में जो है ना घोची का करके जो है कटानी जो कर दिया है वह जो है ना आपको टेढ़ा टाढ़ी बहुत ज्यादा क्षति। अभी जब ये यहाँ पर जब नदी है लाइन है तो वहाँ से मतलब पहले वही लग गया आगे लग, नदी एकदम सीधा था, अभी आपको जो ना पश्चिम की तरफ गया फिर पूर्व की तरफ आया फिर पश्चिम की तरफ चला गया। अच्छा, तो इसके मतलब भी उसके मतलब नियंत्रण का क्या उपाय कोई नियंत्रण के लिए तो सरकार जो ना उधर पश्चिम की तरफ भी जो है ना चाइना ठेकेदार एक समय था जो ना 2040-45 साल में उधर भी तटबंध किया, इधर भी पूर्व भी भी तटबंध किया ताकि ये तटबंध के भीतर में पानी जो है ना बहाव इसका चला जाए। अच्छा। तटबंध को ओ पार ए पार दोनों पूर्व या पश्चिम साइड में लोगों को क्षति न हो, लेकिन ऐसा है कि वो जो पानी का बहाव उधर से जो आता है तो आपको उधर जो है क्या कहते हैं बम नहर है, बम नहर जो ना गया हुआ है आपको सरवट्ठा चौक से लेकर के वहाँ राजपुर डमार तक के, तो ये पानी आपको इधर पानी जो ना हजमिनिया मलहिनिया पूरा जो है ओवर पलो यही लाल बकैया का पानी फेंक करके आपको इधर जो है ना फथुआ भगवानपुर उसके बाद में सबघाड़ा गोर ग्रसित रहता है इसी पानी से, पानी से जी। उसके बाद में उधर जो पानी फेंक देता है तो उस यानी कोई ऐसा साल नहीं है जो कि हर साल जो है ना सरकारी बजट से वो जो है बनाता है रोड
अपना जो क्या कहते हैं इसको बम नहर को, अब बम नहर हर साल जो है ना टूट जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पानी का जो है ना नेचुरली पानी का सिद्धांत है उत्तरे दखने हमारे जमीन का भूभाग का जो है बनावट है। अब यहाँ क्या है कि पूर्वी पक्ष में नहर है, अब पूर्वी पक्ष में नहर है उत्तर से पानी का बहाव है, अब वो बहाव को करेंट को जो है ना बम नहर जो है ना सह नहीं पा रही है, जिसका परिणाम है कि हर साल वो टूट रहा है। तो जब तक पानी का जहाँ ओवरफ्लो होकर के पानी जहाँ से भाग रही है उसका फिर निकास जब तक इस नदी में नहीं आएगा तब तक जो है लोग इसी तरह से ग्रसित ठीक लगा सर अपने अपने बात कर लिए। नमस्कार कभी खाई थी खाई नहीं अच्छा कभी क्यों ना खाई नहीं खाई नहीं खा खराबी करा लिखा तो पहले खराबी करो मतलब नदी में अली घूमे थे अपने से फेट के वाला कथी काम करी नदी में कथी काम काम हो ले खेतबारी हो ले की हां खेतीबारी हो ले दूसर कची करी हम कथी करी नदी में कौन काम हो ले अभी कौन काम मतलब रली करे खेसारी सारी डोबलिया खेसारी अच्छा खेसारी डोबलिया वो अल्लाह देवले की ना देवले अच्छा भगवान ने भरोसे बा भगवान ने भरोसे का है मतलब बालू बा अच्छा बालू में ना होले ना बालू पर रौदी होते जमा छन रौदी आई जाम ही छन जा जम तो ना काम ने काम कथि आरो कथि दिख कर नदी में कथि कथि रोपे केला नदी में केरा ऊख दूसरा कुछ अपने कथि लागे बालू में कथि रोपले छी केरा रोपले छी केरा रोपले छी केरा फरल बाकी वो वही नहीं नीच खर्चे बा ना बलब कुछ ना अच्छा नदी ने मतलब हर एक साल तक बहुत कटानी करा ले बहुत करा ले एम के क्षतिपूर्ति के लिए कुछ है कि सरकार से व्यवस्था मिलेगा कि पूछो ना नंबर वाला पूछो ना मतलब नेता से कभी आवा लेकिन नदी को कभी ना भेटो करे ना आई नदी के पूछे। अच्छा एक नदी नियंत्रण विभाग भी बनावा गया सरकार से कि नदी के जन अति करण बाकी ना ओकरा रोके के लेल पानी के बहाव मतलब मतलब अपना लाइन में कैसे जाई वो सब करे के लेल सरकार को बन ले योजना नदी नियंत्रण डिवीजन कार्यालय तो वहां के कोनो सरकारी कर्मचारी ने आवा लेकिन घूमे कोनो ना आवा ले तो कहां से घूम के चले फिर कहले के रिपोर्ट दे वाले कि मतलब पूरा नियंत्रण कर रहल छी हाई के बाजारे पसे बाजारे पसे नदी में ना आवे गई नदी में कभी ना जिस तरीके से आप आए हुए सर आया करके जो इसका अनुगमन जो कर रहे हैं दृश्य देख रहे हैं इस तरीके का आम लोगों में आकर के आम लोगों के से जो ना अपना दुख अपना दर्द इसका परेशानी इससे नुकसान कितना का है कैसे कभी भी चर्चा आम जनता पहचानते ही नहीं कि ये फलाना अपने डिपार्टमेंट से चाहे फलाना नियंत्रण से लोग आए हुए हैं इसके हमारे हक हित के बारे में पूछ रहे हैं हमारा दुख क्या है हम दुख उनको साथ रख के जिस तरह आप पूछ रहे हैं उस तरीके का ऑप्शन और उस तरीके का मौका नहीं मिल पाता है। अब आया तो बाजारे पर से जो है ना जनप्रतिनिधि से हो या किसी से भेंट घाट हुआ वहीं से जो ना हालात पता कर लिए और चले गए मतलब ये तरीका का स्थिति है। अच्छा जैसे अभी अभी मतलब आप क्या कहना चाहते हैं आप तो एक नदी के गांव से हैं नदी के किनार से हैं अगर कुछ मैसेज हमारे जो कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट है निकाय है या कुछ नेता के कुछ अगर संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं हमारे बीडी मार्फत। हम तो यही कहेंगे कि नेता जो है ना आदरणीय नेता गण लोगों को कि हमारे जो है ना इस गांव में हम लोगों के वोट से ही अपना कुर्सी जो है ना उनका पद जो है ना मिलता है तो मेरा भी जो है ना उनका भी दायित्व है कि हम लोगों के दुख दर्द को आकर के थोड़ा सा समझ करके जो है ना समझे बूझे ये पानी से जो हम लोग इतना पीड़ित है विस्थापित है खाने की जो है ना जो चीज़ रोपी जाती है वो भी जो है ना नदी से जो है ना बह जाता है दह जाता है तो उस परिस्थिति में आकर के कि पानी किस तरीका से जो है ना फिर नियंत्रण होकर के हम लोग जो है ना विस्थापित से बचे उसके बाद में हम लोगों का भी बाली नाली जो है ना कैसे बचे उसके बारे में जो है ना एक सोच बनाए उसका एक नियंत्रण दे ये हमारा उनके तरफ से तो हर एक साल का ये समस्या है मतलब ये हर साल का जो है ना समस्या कोई एक साल का नया समस्या नहीं मतलब ये पुराने वर्षों से खानदानी मतलब ये खानदानी जो ना आ रहा है इधर नहीं कहें सर कि 10 साल से जो ना नदी स्टेट थी तो कुछ इस जो बाकी जो जगह थी सब में ऊख केला और सब चीज़ जो है ना होता था लेकिन इन साल संजोग में नदी कैसे हुआ कि इतना ना टेढ़ा टाढ़ी हो गया कि उधर की भी जमीन बर्बाद हो गई इधर की भी जमीन दोनों साइड से पूरा पश्चिम दोनों साइड का जमीन जो है बर्बाद है इन साल जो है बहुत नुकसान तो सब इन यो वीडियो यो ग्राउंड जीरो को रियलिटी मैंने तपाईले देखाए हाम्रो देश में नदी नियंत्रण डिविजन कार्यालय पनि बनेको छ तर नदी नियंत्रण कार्यालय ले के गर्छ मैले कुनै पनि यो नदी किनारमा घुम्दाखेरि त्यसको नदी नियन्त्रण काम मैले देखेन काम अब कहाँबाट हुन्छ कसले गर्छ कुन निकायले हेर्छ त्यो मैले कुनै पनि कतै पनि नदी नियन्त्रण डिभिजनको काम देखेन। यहाँ हरेक वर्ष लाखों को क्षति हुन्छ यहाँ मान्छेले डर त्रासले सताएको हुन्छ हरेक बरसातको मौसममा कि कुन बेला नदीले बगाइदिन्छ म नदी किनारमा छु म गाउँको पनि तपाईँलाई रिपोर्ट मैले